नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, समाजवादी विचारधारा के लोग और दिवंगत रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थक द्वारा गठित की गई नई पार्टी राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले गठित हुई राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का अभी हाल ही में अधिवेशन संपन्न हुआ 29 जनवरी को जॉर्ज फर्नांडिस जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। नागपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, अधिवेशन था। पहले के कार्यकारिणी को कुछ समय पहले डिसॉल्व किया था, उसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना था। तो हाल ही में पार्टी ने नए सिरे से नई कार्यकारिणी का गठन किया। पार्टी अध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने इस नई कार्यकारिणी का ऐलान नागपुर में 17 मार्च को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें इन्होंने ये जानकारी दी। कुल 29 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जिसमें 5 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 2 महासचिव, 2 सचिव, 1 मीडिया प्रभारी, 1 आईटी प्रभारी और बाकी के सदस्य, ऐसे 29 लोगों का चयन किया गया है। साथ ही साथ 4 प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की भी घोषणा इसमें की गई है। आने वाले समय में पार्टी अपनी दूसरी कार्यकारिणी की घोषणा जल्द ही दिल्ली में करने वाली है, इसकी जानकारी भी पार्टी के पदाधिकारियों ने दी। पार्टी की नींव रखने में सबसे अहम रोल जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में रह चुके, उनके साथ काम किए अनिल चौहान जी का है। अनिल चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से 90 के दशक में नागपुर आए थे, और नागपुर आने के बाद में अनिल चौहान जी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में रहे और जॉर्ज फर्नांडिस के काफ़ी करीबी माने जाते थे। हाल के समय में जो देश भर का माहौल है और जिस तरह से देश की राजनीति में काफ़ी कुछ अलग हो रहा है, ऐसे में अनिल चौहान जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, कई पार्टी के लोगों को एकजुट किया। आप सभी जानते हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो लगाया और आप सभी को मालूम है कि 29 जनवरी को जो अधिवेशन हुआ था, उसके पहले एक सर्वदलीय मोर्चे का भी गठन किया गया, उसमें भी पहल राष्ट्रीय मजदूर पार्टी की रही। आने वाले समय में राष्ट्रीय मजदूर पार्टी अपनी दूसरी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी का ऐलान करने वाली है। और अब कहीं ना कहीं देश भर में जॉर्ज फर्नांडिस समर्थक और समाजवादी विचारधारा के लोग एक पटल पर आने वाले हैं। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई वीडियो और पूरी तस्वीरें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सेनानी रहे हैं लोहिया जी, मधुलिपि जी, जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज साहब के साथ भी इन्होंने काम किया है। ऐसे नेता हमारे बीच आ जाए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो पिछले जनवरी में सभी सर्वसम्मति से हमारे जो कमेटी की दिखाई थी उन लोगों की, उन लोगों ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से मान्य किया है। उसकी कार्यकारिणी में ही घोषित हुई थी, तो ऐसा हो गया था कि हम बनारस में ही करें, लेकिन अचानक उनके मन में आया कि हम जब नागपुर में ही कार्यक्रम घोषित किए हैं तो कार्यकारिणी में पहले यहीं से सूचित घोषित करना चाहिए। तो ये आज नागपुर आए हैं और आपके समक्ष कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे और आप सबको जानकारी देंगे। साथ मोदी के सदस्य और पदाधिकारियों की घोषणा सर्वसम्मति से यहाँ की जाती है और उसका काफी आपको करीब करीब ये चुका होगा। हमारे पार्टी के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी ने तैयार किया है, हम सब लोग मिलकर उन मुद्दों को भी चर्चा हमने जमीन किया है।
जो वर्तमान स्थिति है उसकी चर्चा किया और आने वाले दिनों में हम सब लोगों को जो करना है इस देश में उसकी भी चर्चा हमने इसमें किया है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स इसको नहीं जानना चाहता क्योंकि करीब करीब सभी मामलों पर जो हमारे उद्देश्य रहे अब तक के राजनीति में देश में और खासकर समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग रहे हैं उनको इस मंच पर आने का निमंत्रण और उनको जोड़ने का भी काम हम सब लोग करेंगे। इसके पहले भी मैं '81 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र का अध्यक्ष रहा और अभी जब समता पार्टी हमारी जमीन से जॉर्ज यात्रा के नेतृत्व में तो उसका भी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी पर चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786